तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कोलकाता के डॉक्टर रेप केस के बारे में। सबसे पहले तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये न्यूज एक नेशनल न्यूज ना बने, लोग चाहते हैं कि ये साइड नोट बनकर रह जाए। बंगाल में जहां लड़कियों को देवी माना जाता है, वहां हमारी लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कोलकाता के आर्चिकार कॉलेज में ये लेडी डॉक्टर लगातार 36 घंटे की लॉन्ग शिफ्ट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने जाती है सेमिनार हॉल में। वहां उनके साथ ऐसा घिनौना टॉर्चर हुआ जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। सब वर्स्ट पार्ट ये है कि टॉर्चर की डिटेल्स बरी करने की कोशिश की गई। उनके पेरेंट्स को बताया गया कि आपकी बेटी का मर्डर नहीं सुसाइड किया गया है। वी कांट इवन फील व्हाट हर पेरेंट्स फीलिंग नाउ, वी कांट इवन थिंक व्हाट हर पेरेंट्स फीलिंग नाउ। यहाँ पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को वार्निंग दी कि अगर संडे तक कोई प्रोग्रेस नहीं आया तो ये केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सस्पेक्ट के कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन है। जहां ये मर्डर केस हुआ वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, बट पुलिस को एक हेडफोन हाथ लगा। उन्होंने सस्पेक्ट के फोन से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो कोलकाता पुलिस वॉलेंटियर संजय रॉय के फोन से ये कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज कि इसके ऊपर पहले से ही कई एलिगेशंस थे, जैसे कि इंटरप्रिटेशन, इंटिमिटेशन, थ्रेट्स अगेंस्ट वुमेन, और 2022 में उसने अपनी वाइफ के अगेंस्ट असॉल्ट किया था। कुछ हफ्ते पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी की थी। सवाल ये आता है कि वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था। आर्चिकार कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, जिनके रिजाइन करने के कुछ ही घंटों बाद उनको कोलकाता के दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट दे दी जाती है। यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो आपको कोई डर नहीं, आप हर कुछ कर सकते हो, आपको पूरा सिस्टम बचाने में लग जाएगा, पुलिस एविडेंस बरी कर देगी, एट द एंड ऑफ द डे केस सालों तक चलेगा और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। पुणे पॉर्च केस में भी यही हुआ था। वी थैंकफुल टू सोशल मीडिया, एटलीस्ट ये केस बाहर तो आते हैं, पर लेकिन इतने बड़े देश में हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है और लोग कुछ दिन इसको याद रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इफ दिस टाइम यू ट्राई टू टॉक डॉक्टर एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस इन हॉस्पिटल, जरा पढ़िए, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं होती, डॉक्टर के रेस्ट के लिए बेड नहीं होते, उन्हें 36-36 घंटों की लॉन्ग शिफ्ट करनी पड़ती है, एंड स्टिल दे कम एंड हील द पेशेंट। एंड द प्रॉब्लम इज कि आज भी भारत में लोग ये सोचते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इवन व्हेन पीपल क्रिएटिंग कंटेंट, स्पेशली गर्ल्स, लोग हमेशा ये सिली कमेंट्स करते हैं, मोटी हो रही है, अपनी शक्ल तो देखो एंड ऑल। हर बार ऐसे कमेंट्स करने वाले मर्द ही होते हैं। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे मोटापे से, क्यों है आपको प्रॉब्लम? और यू मे थिंक दैट कि इन सब बातों का इस केस से क्या लेना देना, तो आई वॉन्ट टू से दैट कि आज भी समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी पावर हम पर थोपना चाहते हैं। रेप इज अ पावर एक्ट, रिस्पेक्ट जीरो, ईगो हीरो। आई मे नॉट सेइंग दैट कि अपनी बेटियों के प्रति प्रोटेक्टिव मत हो, पर पहले अपने बेटों को सिखाओ। पीपल ऑलवेज टॉट देयर गर्ल चाइल्ड व्हाट इज बैड टच एंड वेयर, सो टीच योर सन, डोंट डू बैड टच। इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जहां हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये उस डॉक्टर का ही नहीं हमारे देश की हर महिला का सवाल है।